अपनी अम्मा की किस चीज की फैन हो? मैं मम्मा की आंखों की, लैशेस की। मुझे थोड़ी मिल गई। हाँ शुक्र है ना, मतलब कि शुक्र अम्मा से मिल गई, जो एक खूबसूरत चीज थी, शुक्र है उसको मिल गई है। यार ये एक बच्चों का बड़ा होता है, जैसे मैं बड़ा एक चीज शेयर करती हूँ कि एक बहुत ही जहीन और थोड़ा सा बदसूरत आदमी था और एक बहुत ही खूबसूरत और डम औरत थी। हाँ। उस औरत ने उस आदमी से कहा चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, हमारे बच्चे बड़े खूबसूरत मेरी तरह और इंटेलिजेंट तुम्हारी तरह होंगे। तो जहीन आदमी कहने लगा अगर बदसूरत मेरी तरह और डम तुम्हारी तरह हो गए तो क्या होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहा था, है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछा। सो वो वाली चीज है कि गुड लक है कि आपने अच्छी चीजें अपने पेरेंट्स से ले ली। ओके, तुम अपनी अम्मा की आंखों की फैन हो, तो आपकी क्या ननियाल ददियाल होता है, जीन्स में चला आता है? तो मेरे अब्बा की तरफ की ददियाल की आंखें हैं, मेरी मदर की आंखें थी, बाल और आंखें उनकी बहुत हसीन आंखें। अच्छा, तो वो आपकी जीन्स में, वो मेरे अब मेरे भाइयों में भी और मुझ में भी आई है। फिर बेटों पे नहीं आया, बेटे बाप की ले ली, लेकिन बेटी ने, मैं दुआ भी करती थी कि अल्लाह इसके फीचर्स मेरे जैसे हो। अल्लाह अब जितने मेकअप आर्टिस्ट है ना वो यही करते हैं, मैं मस्कारा करूं तो कहते हैं आपने एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं, नहीं तो पकड़ के खींचती हैं, ये झूठ बोल रही है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये हमारे बालों के लिए भी बड़े अरसे तक जब ब्लो ड्राई कर देते हैं, सादे जी उतार के दे देना करके आराम से ब्लो ड्राई, वो ब्रश में कहा अरे सर पे से कैसे उतार के देते, जाते ही बाल है मेरे, ये इतने सारे मेरे अपने ही है। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।